सो गाइस आज मेरी रूममेट भी जा रही है। यस बिल्कुल, बड़ा खुश नसीब है ना। क्या दिगार शनिवार कदे बाहर ना कर दे क्लास भी तो शनिवार वाले दिन ही शुरू करी। मैं तुम सोच रहा वापस जाकर सो जाऊं। नहीं नहीं तो बस समझ आएंगे। सो गाइस देखो मून यार मुझे ऐसा ना टिक्का पसंद है यार, कितना अच्छा लग रहा है ना मून। हाँ ऐसा टिक्का लेकर आना था मुझे, मैं पहले लगाया करूँ तू चंदन का ऐसा। हालांकि तो मुझे गुस्सा अच्छा नहीं बोत रहा यार आप। सो गाइस अभी बजे हैं सुबह के 5, मतलब उठ तो हम 4:30 गए थे। हम ही थे कौन, इफ यू आर इंटरेस्टेड भैया किसकी बात कर रहे हो? डेटिंग वेटिंग ओनली ऑन सॉरी ऐप। अरे वो क्या नाम है उसका, डेटिंग ऐप? अमित अमित ही था। अमित धनिया ना ना और क्या नाम है? मुझे तो कसम जी का नाम भी नहीं पता इसका। के आपकी जरूरत थी चीचड़ा सा इनकी गुम जाएगी इधर से बता दो देवी। हाँ जी देख यार जेसीबी कितनी सुंदर कलर की। सो गाइस जेसीबी देखनी है कल दिखाऊंगी इनकी गुत्तम गुत्ती ग्रीन ग्रीन कलर की है। अरे इनका घर आ गया तो जा रहे हैं आ गया दादी जंगल से इधर आ गया मुझे तो चल रही शायद। सो गाइस वन मोर जेसी मैं सोच रही थी कल दिखाऊं इसने जेसीबी। सो गाइस वैसे तो अंधेरा ही है देख सकते हैं आप क्या यहाँ से दिखेगा वो देखिए अंधेरा ही है वैसे तो। चांद जी हमारे पधारे हुए हैं। तो मैं इसका हाथ ऐसे पकड़ के लेके आई हूँ कहीं ये झाड़ियों में ना घुस जाए। 1500 नगद गाइस गाइस क्या खुल जाए मुझे तो आँख मेरी तो आँख भी नहीं खुल रही। कोई खूबसूरत लड़का हो तो गाइस बताना पसंद नहीं लाइक शेयर एंड कमेंट करना ये कह रही यूट्यूब चैनल को फॉलो भी करना ये कह रही है। अगर कोई लड़का हो खूबसूरत देखो अगर अगर कोई हमारी यूनिवर्सिटी से देख रहा है व्लॉग और सुंदर हो स्मार्ट हो तो कमेंट में मैसेज करना स्पेशली वो लोग जिनके 6 फुट हो। हाँ मेरे घर के ना देख ले सो लोग को तोड़ेंगे तो भेज रखिए तो क्या करें भेज रखिए तो मेरा यूट्यूब चैनल एक डेटिंग ऐप बन गया। यूट्यूब पायल डेटिंग ऐप। हाँ अभी मुझे पायल डेटिंग ऐप रखना पड़ेगा अपने चैनल का नाम। मुझे सुबह जब हम निकले ना जब तक लग रहा था ठंड का मौसम आ गया अब गर्मी गर्मी कच्चा प्यार करना चाहते यार अगर यार कच्चा प्यार हाँ राउड होता ना मुझे आ जाने मैं तो सोने सोने कच्चा प्यार कहा करता। मैं लेकर तो आई थी फिर मेरा फ्लॉप होगा। बैठिए एक तो बहुत विलंब से आप आए हैं और विलंब से आने के बाद फिर आप व्यवस्थित नहीं बैठे। याद रखना बहुत शिव कैलाशी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया इसको हमेशा याद रखना यथा वायु तथा आयु। जो प्रदूषित वायु में रहता है प्रदूषित वायु में प्राणायाम करता है उसकी आयु कम हो जाती है। दिल्ली जैसे गली गली रास्ते पे जाने के भीड़ भाड़ के सो गाइज फिर आने के बाद मैंने फेस पैक लगाया और ये इतना ही सूखा था फिर इसको मैंने वॉश कर लिया था। सो गाइज मैं निकल रही हूँ क्लास के लिए सो अभी 8:30 बजे हुए हैं। सो गाइस ये देखो ग्रीन कलर की है।
फिर ब्रेकफास्ट करने चली गई थी और ब्रेकफास्ट में थी दही, खिचड़ी, थोड़ा सा स्प्राउट वगैरह एंड थोड़ा सा पोहा। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा ही खाया मैंने और दही में फिर मैंने थोड़ा मीठा डाल के खा लिया था। सो फिर क्लास चली गई थी मैं। सो गाइस, क्लास में कोई नहीं है। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं फ़ैन ऑन कर लेती हूँ। सो गाइस, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी यहाँ पे। फिर 4 घंटे क्लास लगाने के बाद मैं लंच करने के लिए चली गई थी और लंच में देख सकते हैं अब क्या था, 2 रोटी, सैलड, चावल वगैरह। तो थक गए थे बहुत। सो गाइस, मेरी क्लासेस तो ख़त्म हो गई हैं, अभी 1:30 हुआ है, मतलब 1 बजे ख़त्म हो गई थी। तो अभी मैं लंच करके आई हूँ। सो गाइस, क्लास से आ चुकी हूँ मैं, अभी कपड़े चेंज करूँगी। वैसे तो ऑडिटोरियम में जाना मतलब कंफर्म नहीं है जाना है या नहीं, कुछ कोई लोग बोल रहे जाना है, कोई बोल रहा है नहीं जाना, तो वो तो मैसेज आ ही जाएगा। और उसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बता नहीं सकती कितनी गर्मी है, भयंकर वाली गर्मी है। और अभी तो मैं लंच करके आई थी, सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं क्लास में ही थी। यू नो, क्लास में थोड़ी पढ़ाई भी हो जाती है और टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है पढ़ने वालों के लिए। तो देखो, जिसको नहीं पढ़ना वो तो क्लास में भी बोर ही होएगा, वो तो जिसको हर जगह ही बोर होएगा जिसको मैनेज नहीं करना। अदरवाइज़ मैं तो क्लास में बोर नहीं होती, बहुत रेयर होता है ऐसा कि तबीयत ख़राब है, सर दर्द है, ऐसा कुछ, तो अदरवाइज़ सब न्यूट्रल चलता है क्लास में। तो क्लास होगी थी मेरी 9 से 1 तक, फिर उसके बाद मैं लंच करने गई थी। अब सीधा मतलब लंच के बाद मैं सीधा यहाँ पे आई हूँ। तो अभी कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि ज़रूरी है कपड़े चेंज करना, क्योंकि 4 बजे यज है, यानी कि हवन है 4 बजे, और अगर मैं इन्हीं कपड़ों में रहूँगी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। हाँ, अगर उसकी कोई थीम होती है हवन की तो देखेंगे, अदरवाइज़ कैसे क्या पहन के जाना है, दैट द पॉइंट। वो 4 बजे है तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आई विल शो यू इन दिस माई व्लॉग, यानी वीडियो में शो कर दूंगी मैं अगर होता है तो। वैसे तो होगा ही 4 बजे। सो आज का रूटीन अभी तक तो यही था, आगे कुछ होता है मैं तो शेयर करूंगी। हाँ, और यार यहाँ पे वाईफाई का, और कल मेरे इतने सर में दर्द हो रहा था ना, इतना सर दर्द हो रहा था, पता नहीं तो नज़र लग जाती है, पता नहीं क्या सीन होता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इतना मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरा कच्चा मन हो रहा था बिल्कुल, थोड़ा चाय पी के सी हो गया था। तो उस वजह से फिर मैंने कल कोई व्लॉग नहीं आया ना मैंने व्लॉग डाला, ना अपडेट किया, कुछ नहीं। सो पता नहीं बिजी, मतलब यहाँ का अलग ही है तबीयत का, मतलब सब नॉर्मल चल रहा है, अचानक ही पता नहीं चलता कब सर दर्द हो जाए, कब तुम लो फील करने लग जाओ। ऐसे मुझे लगता है कि कहीं मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, कहीं मतलब नज़र वज़र का भी हो जाता है कई बार, और कुछ भी हो सकता है। सो भाई, 4 कपड़े हैं और आज सैटरडे है तो 2 देती हूँ। सो गाइस, मम्मी सामान लेके आई है, ये मेरी स्टडी टेबल लेके आई है, और ये मेरा छाता है। इसमें मिठाइयाँ लेके आई हूँ। सामान लेके आई है मम्मी, बाकी खोल के दिखाऊंगी मैं।
उद्भूत्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते श्रवत्स्विजेधा मयच्च अस्मि सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा गाइस मम्मी मेरे लिए लेके गया पेड़े और ये बेसन के लड्डू। सो गाइस हवन से आने के बाद ये कपड़े धो दिए मैंने अपने, अब इनको सुखा दूंगी। मंदिर में जा रही होगी बुआ, तुमने क्या काम है? मेरी बुआ ना काम नहीं था, तुमने क्या है बेटा? तुमने बताओ, बुआ ना तो मंदिर में, बुआ ना तो मंदिर में जहाँ से काम है, तू बता। बतेरा काम ही तो कुछ हो नहीं रहा होगा, मैस बेच दी। सो गाइज हम डिनर करने जा रहे थे और डिनर में थी पेठे की सब्जी, दाल, तो मैंने तो दो रोटी खाई, चावल रात को मैं नहीं खाती। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मम्मी आई थी मेरे लिए सामान लेके आई, बट मम्मी बहुत जल्दी चली गई, बट कोई ना, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टाइम तो मैं ही घर चली जाऊँ। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। जय श्री राम एवरीवन।